मंच पर नमस्ते सबका गलत कर दूंगा, सबका कताई भैया बस जन्म करिए, पीछे आ जाओ सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए समाज के लोगों ने शुरू में आप सबका उन्होंने शंख बजा करके स्वागत करने का काम किया। श्री नकुल दुबे जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री जिनके पास कई कई मंत्रालय थे, श्री सर्वेश मिश्रा तथा उनके साथ मौजूद उनकी सभी पूरी टीम, श्री अभिनव शर्मा, श्री गौरव सागर, सत्यम मिश्रा जी, अश्विनी मिश्रा जी, चंद्रमोहन पांडे, श्री राहुल तिवारी, श्री ठाकुर मनमोहन सिंह, श्री विनोद कुमार शुक्ला, राजा बमंगा जी तथा यहाँ पर बहुत सारे इन सबके समर्थक और साथी लोग मौजूद हैं। भाइयों, आपको ये मालूम है कि आज उत्तर प्रदेश में जब हम लोग ये गोष्ठी कर रहे हैं हर जिले में जाकर के, और इसको शुरू किया था हम लोगों ने 23 जुलाई में को शुरू किया था अयोध्या जाकर के, और उसके बाद अनवरत हम लोग जिले दर जिले जा रहे हैं और हर जिले में जाकर के ये प्रबुद्ध सम्मेलन प्रबुद्ध गोष्ठी करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि प्रबुद्ध समाज आज के परिवेश की जो स्थिति है जिससे वो वैसे भली भांति जानता है लेकिन उसको आगे बढ़ाने का कार्य भी क्या करना चाहिए, क्या जिम्मेदारी है जिसको निभाना चाहिए, उसको बताने के लिए हम आपके बीच में आए। और इसमें भी खास तौर पर ब्राह्मण समाज के लोगों से जो कि जिनका कि एक कर्तव्य है कि सर्व समाज को लेकर के साथ में चले और सर्व समाज के लोगों को सही रास्ते पे एक क्या रास्ता होना चाहिए, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ये बताने का कार्य भी उनका दायित्व है। आप देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों से जो शासन चल रहा है उसको हम शासन नहीं कह सकते, वो कुशासन चल रहा है। और 4.5 वर्ष में जिस कदर दलित समाज की बेटियां, उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण समाज की बेटियां और बहुओं को किस तरह से और समूचे ब्राह्मण समाज को किस तरीके से आतंकित भयभीत कराना, धमकाना और एनकाउंटर में मार गिराना बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी कोई न्यायालय के जाए हुए सीधे एनकाउंटर करके और उनको मार के गिरा देना, ये कार्यक्रम पिछले 4.5 वर्षों से चल रहा। और ये उसी प्रकार से इन लोगों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं जैसे कि समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से दलित उत्पीड़न करती थी और जिस तरह से ब्राह्मण समाज का उनका पहला दुश्मन मानती थी, तो उसी प्रकार से आज के समाज आज की सरकार में भी चल रहा है। जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज का एक नौजवान लड़का नीरज मिश्रा उसकी समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान किस तरह से उसका गला काट करके सर काट करके धड़ से अलग कर दिया गया था, वो कोई भूला नहीं, कन्नौज का जुर्म कर रहा अखबारों को मीडिया सबने दिखाया गया। समाजवादी पार्टी को खाक फेंकने का काम ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया था 2007, और जब 2007 में किया था तो इसीलिए किया था क्योंकि इतना ज्यादा इनके आतंक से दुखी हो गए थे कि उन्होंने निश्चय कर लिया था
कि आप इनको संस्कार से बाहर करने का काम करें। और आपको याद होगा 2007 के पहले भी हम आपके बीच में आए थे और पूरे उत्तर प्रदेश में गए थे, पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज से खास तौर से हमने जाकर के और इसी तरह की बड़ी बड़ी सभाओं में हमने बातचीत की। और ब्राह्मण समाज जो उस समय अपने को समझ रहा था कि हम शून्य हो गए और राजनीतिक रूप से तो पूरी तरीके से शून्य हो गए, क्योंकि विधानसभा में तो सिर्फ 5 या 6 ब्राह्मण समाज के लोग बचे थे। उस समय हम उनके बीच में गए और हमने कहा कि इसके शून्य में पहुंचने के लिए जिम्मेदार आप स्वयं हो। और क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि आप आपस में बढ़ जाते हैं, आप एक साथ नहीं रहते, इकट्ठा नहीं रहते, आप बटे हुए हैं, उसका फायदा लोग उठाते हैं। अगर आप इकट्ठा हो जाए, एक साथ हो जाए, तो आपको अपनी शक्ति का ज्ञान होगा। और आपकी शक्ति छोटी मोटी नहीं है, आप तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से 13% है और वैसे तो 16.5% है। और अगर 16.5% या 13% नहीं लेते तो उत्तर प्रदेश में जहां 25 करोड़ लोग रहते हैं, आप 3 करोड़ के ऊपर ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन फिर भी शून्य में। और वो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि आप बंटवारा किए, अपना बंटवारा पहले खत्म करिए, पहले एकजुट होइए, एक साथ होइए और ये तय कर लीजिए कि हम ब्राह्मण समाज के लोग एक साथ इकट्ठे जाएंगे। तो जब आप 13% या 16% की हैसियत से इकट्ठा होंगे तो आपकी शक्ति को कोई भी नकार नहीं सकता और कोई भी उनको भूल नहीं सकता। लेकिन 13% और 16% से भी कुछ नहीं होगा, एक भी चुनाव किसी का जीत नहीं सकते, क्योंकि चुनाव जीता जाता है 30% के ऊपर से। तब हमने आप लोगों से अनुरोध किया था ब्राह्मण समाज से कि अगर आपको सत्ता की चाबी चाहिए और सत्ता में भागीदारी चाहिए और अपना खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान वापस लाना है तो आपको भाईचारा बनाना है। और भाईचारा बनाइए इसके साथ हमारे दलित समाज के भाई बहनों के साथ में आप भाईचारा बनाए। वो 23% है और 23% के साथ में पहले से ही पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, ये सब लोग पहले से जुड़े हुए। तो अगर आप 23% के साथ में जुड़ गए और भाईचारा बनाया तो 16 और 23 मिला करके तो अकेले ही आप 40 पहुंच जाएंगे और इतनी बड़ी संख्या बनेंगे कि हर भीड़ पर आप खाली होने लगेंगे। लोगों ने हमारी बात मानी और हमारे इस अनुरोध को भी स्वीकार किया कि आपस में भी जो हम कहते हैं कि हम तो 20 विश्वा हैं, तुम 16 विश्वा हो या 12 विश्वा हो, हम कानपुर ब्राह्मण है, सनाट ब्राह्मण है, संतुपारी ब्राह्मण है, त्यागी है, हम लोग इस तरह तरह से अपने को करके वापस को काट देते हैं। तो इसको भी खत्म करिए और अपने आप को सिर्फ ब्राह्मण के नाम से जानिए। जब ब्राह्मण के नाम से जानेंगे तो समूचा ब्राह्मण समूह इकट्ठा लोगों को नजर आएंगे। और इसके नतीजा भी सामने आया कि जब 9 जून 2005 को लखनऊ के डॉक्टर अम्बेडकर मैदान में हम लोगों ने सभा की, आखिरी सभा की पूरे उत्तर प्रदेश की करने के बाद, तो वहां पहले माननीय जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और उस 5 लाख से ज्यादा को 48 की चलने भी वहां पर मौजूद थे ब्राह्मण समाज के लोग। आज आपने जिस तरह से शंख बजा करके हमारा स्वागत किया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया, उस दिन को 11,000 ब्राह्मणों ने शंख बजा करके बहन मायावती जी का स्वागत किया। उनको जब हमने गणेश जी, भगवान गणेश की प्रतिमा दी थी तो गणेश जी की प्रतिमा लेकर के वो माइक पर गई थी और उन्होंने जो अपने पहले शब्द कहे थे कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि आज ब्राह्मण समाज की तैयारी देख करके हम अपनी पार्टी का नारा भी बदल देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस नारे को बदल करके उन्होंने एक नया नारा दिया, उन्होंने कहा जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी।
और उसके बाद तैयारी के हिसाब से उन्होंने हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया। एक दो नहीं, उन्होंने 40 सीटें जहां पिछली बार ब्राह्मण समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, उन्होंने 85 सीटों पर ब्राह्मण समाज के लोगों को उतारने का काम किया। और चूंकि भाईचारा हो गया था और मिलकर के दोनों एक साथ भाईचारा बना के मजबूती दे रही थी, तो 45 लोग जहां पहले वाले दो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति खाली जीत करके आए थे, 45 लोग ब्राह्मण समाज के और जीत के आने का काम उस 2000 साल की संख्या में हुआ। और खाली ब्राह्मण समाज के नहीं, जो हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं वो भी 18 सीटों में जुड़े थे, लेकिन उनकी गिनती भी जब होती तो वो बढ़ा करके 62 की गिनती में पहुंच गई, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने जो रिजर्व सीटें थी उसमें अपनी पूरी दमखम लगा करके उनको जिताने का काम किया। बहन भाई ने उसे कहा था कि अगर आप हमारे साथ में आ गए जैसा कि आगे दिख रहा है, तो हम भी जब अपनी सरकार बनाएंगे तो ब्राह्मण समाज का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी। और आपको याद होगा कि 2007 में जब सरकार बनी, तो 2007 सरकार बनने के अनुसार में जब पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में 17 वर्ष बाद बनी ही, तो वो ब्राह्मण समाज ने जो समर्थन दिया था उसकी वजह से बन पाई। लेकिन बहन मानवी जी ने भी, हमने भी जो उम्मीद नहीं की उससे बढ़ चढ़ करके उन्होंने ब्राह्मण समाज को उन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। उन्होंने एक को नहीं 15 कैबिनेट मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को दिए, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए, उसी विषय में तो द्विवेदी की एक है। उन्होंने 35 लोगों को चेयरमैन बना करके, वाइस चेयरमैन बना करके कैबिनेट का दर्जा देने का काम किया, जो लोग चुनाव नहीं लड़ पाए थे और हमारे साथ पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को फिर उन्होंने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना करके उनको उन्होंने कैबिनेट का दर्जा देने का काम किया। 15 लोगों को लगभग उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया ब्राह्मण समाज के, क्योंकि हर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पा रहा है, हर व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने लगेगा तो पूरे प्रदेश में हम लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे। लेकिन जो लोग जो हमारे साथ में जुड़े थे उसमें से 15 लोगों को उन्होंने विधान परिषद में भेजने का काम किया, उसमें से भी हमारे साथ में बड़े सुबोध पराशर है, वो भी उसमें से एमएलसी चुन करके आए, नॉमिनेट हम लोगों ने कराने का काम किया। और इतना ही नहीं, विधान परिषद के अध्यक्ष को भी उन्होंने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को बनाया। लगभग 5000 सरकारी वकील उन्होंने, चाहे महाधिवक्ता का पद हो, अतिरिक्त महाधिवक्ता का पद हो, चीफ चाइनिंग काउंसिल का पद हो, या अन्य सरकारी वकीलों का पद हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ हाईकोर्ट से लेकर के जिला अदालतों में उन्होंने उनको सरकारी वकील बनाने का काम किया, और जो मानदेय मिलता था उसको 10 गुना बढ़ा करके सम्मान जनित मानदेय पहुंचाने का काम बहन माया जी ने किया। उन्होंने आवेदन एमपी लोकसभा में भेजे, उन्होंने राज्यसभा में हमको अपनी पार्टी का लीडर बनाया, और अब तो आपको मालूम ही है कि लोकसभा में भी क्या हमारे 10 एमपी हैं इस समय, वहां पर भी उन्होंने ब्राह्मण समाज के ही व्यक्ति को नितेश पांडे को अपना पार्टी का नेता बना के रखा हुआ है, ब्राह्मण समाज को सम्मान देते हैं। ऐसे में हर तरफ जहां जहां पर भी था ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान देने का काम किया, सब समाज को किया, ऐसा नहीं कि अकेले ब्राह्मण समाज को दे दिया, उन्होंने सभी समाज के लोगों को दिया, सभी धर्म के लोगों को दिया, लेकिन उसके साथ साथ में उन्होंने ब्राह्मण समाज को बढ़ चढ़ करके देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या किया? आपने तो उनको वोट दे दिया, और वोट क्यों दिया? आप पहले समाजवादी पार्टी चुन करके आई, उसने अपना फिर से दोबारा असली रूप दिखा दिया। उनका तो मुख्यमंत्री जी का खुद का अखबार में छप गया था बयान कि ब्राह्मण समाज का कोई काम नहीं करना है, इनका कोई काम नहीं करना। ब्राह्मण समाज की कितनी बेइज्जती हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, कितनी तहवील हुई थी, कितना प्रताड़ित हुए थे, ये किसी से छिपा नहीं है। उनके वहां के खुद के मंत्री प्रतापगढ़ के राजा राम पांडे जी, उनकी इतनी बेइज्जती की थी कि वो अपने घर पहुंचे और उनको इतना बड़ा सदमा लगा, क्योंकि वो संस्थापक थे समाजवादी पार्टी के,
इतना बड़ा सा समय लगा कि वो हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु भी हो गई। उनको जब आपने जब हटाया तो क्या हुआ कि धोखे में आ गए, छलावे में आ गए और अपना वोट किसको दे दिया, जिसने आपसे झूठे वादे किए, जिसने आपसे कहा कि हम 15 लाख रुपए हर एक के खाते में डलवाने का काम करेंगे। क्या किसी को 15 लाख के खाते मिले? आप ही बताइए, आप में से किसी को मिला हो तो नाम बताना। किसी को नहीं मिला। उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, हर साल नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी को देना दूर रहा, उन्होंने इधर लगातार हर वर्ष में 2 करोड़ नौकरियां खत्म करने की कहा। और जब नौजवानों ने आवाज उठाई और उनकी आवाज उठा करके हम लोगों ने पार्लियामेंट में बात की, हमने जब मंत्री से पूछा कि आपने ये सारा छलावा क्यों किया, इन नौजवानों का वोट को ले लिया, उनको आशा दी, और ये वो लोग हैं जो कि PhD है, पोस्ट डॉक्टरेट है और पढ़ करके टीचर है, सब कुछ हो चुके हैं, पढ़ने के बाद नौकरी की तलाश में घूम रहे थे, इंजीनियर हैं, तो आप कहते हैं कि आप इनको नौकरी नहीं दे रहे तो क्या होगा, ये अपना खुद का रोजगार चला सकते हैं। कौन सा रोजगार चला सकते हैं? वो कहते हैं कि पकौड़े बेचे, इनसे कहिए कि ये पढ़े लिखे हैं, ये अच्छे पकौड़े बेचेंगे। पकौड़ा बेचना में हम लोग बुरा नहीं मानते हैं, हम लोग को ऐसे गरीबों के जो लोग संग्राम करते हैं और जो अपना काम चलाते हैं, हम लोग पार्टी की भी उनके साथ 24 घंटे पड़े रहते हैं। लेकिन ये छलावा है कि आप नौजवानों से कहें तो पढ़ नहीं करके और डिग्री ले करके और जिनसे आपने वादा किया वोट देते समय कि हम आपको 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर साल देंगे, तो आप उनकी कभी नौकरी छीनने का काम करते हैं और उनको नौकरी न दे करके कहिए कि आप जाइए और आप ठेला लगाइए और पकौड़े बेचने का काम। और नौकरी कैसे खत्म हो गई? क्योंकि उनकी जो सोच है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो खत्म कर दी गई, इस पूरे देश को उठा करके उन्होंने कुछ चुनिंदा जो बिजनेसमैन है उनके हाथों में देने का काम कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह 2 या 3 खाली बिजनेसमैन है जिनके हाथों पर अब पूरा का पूरा उन्होंने सौंपने का काम, इस देश को सौंपने का काम किया। उन्होंने सारी जितनी भी संपत्ति इस देश की थी एक एक करके उसको उन्होंने बेचने का काम कर दिया, चाहे वो ऑयल कंपनी हो, ONGC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयर इंडिया हो, हवाई जहाज की कंपनी हो, चाहे जितने भी प्राइवेट सेक्टर में आपने इससे दे दिया सेकंड कंपनियों को कि आप इंश्योरेंस कंपनी तक को भी बेच दिया, जहां हम हथियार मंत्रालय या जेल वगैरह उसको भी कहा कि बात ले जाओ और इसको भी हम बेचे दे रहे हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके वो जो हजारों करोड़ रुपया आपको चुनाव लड़ने के लिए देते हैं तो उनके हाथों में आप सब चीजों को पकड़ाने का काम कर दीजिए। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? इन्हीं जगहों में रेलवे में कॉरपोरेशन में यही पर लोग नौकरी की उम्मीद लोगों को नौकरी को मिलती है, लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी पिछले 50 वर्षों में आज सबसे ज्यादा कम जो है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी समय में है पिछले 50 वर्षों में तो आज कल आपको उन जो आपके चुनिंदा बिजनेस कर थे जो उन्होंने कहा कि ये सब तो मिल गया आपको, लेकिन अभी एक चीज बची है और वो क्या बचा है? उन्होंने कहा कि हमको जमीन भी चाहिए, सब कुछ मिल गया लेकिन जमीन भी हमारे नाम में करी है पूरे देश की, तो कैसे करेंगे? उन्होंने किसानों के लिए 3 कानून दे रहा, 3 कानून किसानों के लिए ऐसे बनाए जो उनके हाथ उठा के बराबर के कानून है, उस पर ठेके में उनकी जमीन इन बिजनेसमैनों को दी जाएगी और वो 7-2 साल रुपया लेने के बाद बंद कर देंगे तो आप पूरे जीवन उनसे मुकदमा लड़ते रहिए, आप मुकदमा लड़ते रहिए, आपके हाथ से जमीन चली जाएगी। किसान आज समर्थन में घूम रहा, आज वो पार्लियामेंट से लेकर पार्लियामेंट भर लोग रोज हमारी पार्टी वहां धरना प्रदर्शन कर रही है और किसान लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 1 साल से 500 से ज्यादा किसान लोग गए अब तक, लेकिन ठंड में कुछ पर पानी मांग डाल रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, मांग रहे हैं और कहते हैं कि नहीं ये कानून को हम तुम्हारे ऊपर थोप के रहे हैं। वो कहते हैं कि कानून क्यों थोप रहा है, जब राज्यसभा के अंदर हमने ये प्रश्न किया ये कानून क्यों आप उनके पास थोप रहे हैं, तो कहते हैं कि ये उनके हाथों में है,
उनके हित में है, तो उनसे हमें जो करना है उनके हित में है ये कानून, और वो कहते हैं कि हमारे हित में नहीं है, तो आप उनकी बात मानिए, उनके ऊपर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? लेकिन नहीं, क्योंकि कहां से पैसा मिल रहा है, उन लोगों ने कहा है कि नहीं हमको तो ये जमीन चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, 500 मंगे हैं, 1000 मंगे हैं, फर्क नहीं पड़ता, हमको तो ये जमीन लेना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इस तरीके से जब आपके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए कानून व्यवस्था क्या है, आज कानून व्यवस्था वहां पहुंच गई है जहां तक हमारे घरों की महिलाएं सुरक्षित नहीं, हमारे घरों की महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती है, घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, हर दो घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला का रेप हो रहा है। ये सरकारी आंकड़े हैं, कितने शर्म की बात है कि आप ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहां की हर दो घंटे में एक महिला का रेप हो रहा है। और ये कहते हैं कि 150 करोड़ रुपया खाली खर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट में 300 महीने का, इस बात का कि हम दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर वन प्रदेश, ऐसा ही नंबर वन प्रदेश चाहिए जिससे कि हर दो घंटे में महिला का रेप हो रहा। ब्राह्मण समाज से कितनी हत्याएं हो गई, कितने लोगों का इंसल्ट हो गया, कितने लोग मार दिए गए, सैकड़ों की संख्या में मर गए, कोई हिसाब किताब नहीं, और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, खुशी हुए बताइए उसका क्या दोष था? 16.5 साल की लड़की, 16.5 साल की लड़की खुशी हुए, उसकी शादी 1929 में हो गई है, 1929 जून और पहली जून में उसका पहला दोष था, 2 जून को वारदात हो जाती है और 3 जून को आप उसको उठा देंगे अज्ञात जगह पर, पहले एक हफ्ते अज्ञात जगह पर रखा, उसके उत्थान रखा, उसके साथ प्यार किया, कुछ नहीं किसी को हिसाब किया, 7 तारीख के बाद से आपने उसको जेल में भेज दिया और जेल में उसको 3 महीने तक रखा, उसके बाद जब जुवेनाइल बोर्ड ने कहा कि ये तो नाबालिग है, ये तो 16.5 साल की है, इसको आप जेल में नहीं रख सकते, तो उसको आपने रिमांड बोर्ड में भेज दिया, 12 दिन की भेज दिया और उसकी ये है कि वो जो जेल से बाहर न निकलने पाए, रिमांड बोर्ड से बाहर न निकलने पाए, पूरा शासन तंत्र लगा दिया उसके इस काम के लिए, पूरी टैली पूरा षड्यंत्र भी रच करके काम किया, यहाँ तक कि एक फर्जी रिपोर्ट भी लिखवा दी अधीक्षिका से, उस रिमांड बोर्ड की अधीक्षिका से, जब इनको लगा कि आपको बेल हो ही जाएगी और बेल हो ही जानी चाहिए, उसका तो कोई दोष भी नहीं था, तो उन्होंने कहा इसको कैसे रोका जाए, तो इस बेल को रोकने के लिए एक रिपोर्ट लिखवाई उससे, और उस रिपोर्ट में लिखा गया कि जो 47-47 संख्या लोग अंग्रो में रहती है बाराबंकी में रिमांड रूप में उसमें से एक खुशी सुबह, और उस रिपोर्ट में लिखा गया कि 47 लड़कियों ने ये कहा है कि खुशी दुबे हमको धमकी देती है, कहती है ना हमारी जेल हो गई और हम छूट गए तो हम बाहर निकल करके बहुत बड़े भगवान उपाधि बन जाएंगे और हम उन सब लोगों को ठीक कर देंगे, उठा ले जाएंगे, बताइए इस तरह की रिपोर्ट लिखवा करके और उसकी बेल खारिज करवा इस कदर नीचे करने की जरूरत हो गई इनको, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज की एक लड़की और एक बेटी, इतना ही नहीं ब्राह्मण समाज की एक दूसरी महिला जो घर में काम कर रही थी उसको उठा ले गए जेल में, 5 दिन जेल में रखा है और इंतजाम है कि दोनों लोग 20 साल तक जेल में रहे, 4 महीना जेल में है और इसलिए इतनी दफाएं लगा दी है कि कभी छूटने न पाए और महिला के साथ में उसका 3 साल का छोटा सा लड़का और 6 साल की उसकी लड़की उसको भी जेल में ले गए और उसको भी जेल में बंद करा, बताइए इन लोगों का क्या दोष, आपने तो 16.5 साल के लड़के का हेलीकॉप्टर दौड़ा के 6-6 गोली मार के कर दिया, उस मामले में आपने कितने हेलीकॉप्टर लड़ा ले, 50 से ज्यादा लोगों को जेल में ब्राह्मण समाज के आपने रखा हुआ है जो वहां पर कहीं थे ही नहीं, 2 हेलीकॉप्टर लखनऊ में घर से उठा के ले जाके कर दिए,
और सब जो कमजोर करना है वो एक हिस्सा क्या कहा उसी में ये सब शामिल थे जो मुंबई और कोलकाता में थे उस दिन उनको भी आमंत्रण उठा लिया और एक तरीका बना दिया कि ब्राह्मण समाज के जितने भी मजदूर लोग हैं और उस कानपुर क्षेत्र में इर्द गिर्द चाहे वो कोलकाता हो बेंगलोर हो हरदोई हो लखनऊ हो और कानपुर हो उन्नाव हो इन सब की एक लिस्ट बना दी और अज्ञात के 100 नाम डाल दो उस अज्ञात में एक एक करके जैसे जैसे पढ़ते रहो उनको उठाते रहो उनके नाम डालते रहो इस गलत नफरत ब्राह्मण समाज के लोगों से और क्यों क्योंकि उन्होंने आपको वोट देने का काम किया आप जो इनके खुद के पदाधिकारी बड़े बड़े पदों में रहे चार माने में ले रहे अभी सांसद है राज्यसभा में दुबे जी हरिद्वार दुबे जी आगरा से के रहने वाले जो सांसद है उन्होंने तो छोटी मीडिया के सामने आप जाना चाहिए फोन के हरिद्वार दुबे और जब राज्यसभा का हमारा नॉमिनेशन था उनका बयान सुन लिए बयान दिया कहते हैं कि ये ब्राह्मणों से सुने चाहिए मीडिया के लोगों ने उसने गलती से पूछ किया कि ब्राह्मण पूरे प्रदेश का आपसे नाराज हो गया और बीजेपी से नाराज हो गया तो क्या करेंगे आप कहते हैं ब्राह्मण को सुने जाएंगे कहा इनकी तो मजबूरी है बीजेपी के साथ रहने की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो भाई आपके साथ में रहेंगे क्योंकि हम धर्म के ठेके का है कहते हैं हम धर्म के ठेके का है और धर्म के नाम पे वोट किसको देंगे ये इसीलिए इनका सिंह कोटा बोलने के लिए हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया तो हमने अयोध्या से शुरू किया हम अयोध्या में गए जहाँ के नाम पे ये वोट देते हैं और अयोध्या जाकर के जब हम घूमे तो हमने देखा कि वहां पर आपने क्या काम किया 20,000 करोड़ रुपए सरकार ने आपने कहा कि लगा दिए उसमें लेकिन कौन सा काम किया आपने आपने वहां पूरे अयोध्या में एक ठेला भाटा भी काम दे दिया वही दिखाते रहते हैं घाट के किनारे जब कोई थोड़ा व्यक्ति चला जाता है चाहे उत्तर प्रदेश का हो केंद्र का हो जो कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने घाट बनाए रहते उन्हीं घाट के निर्माण दिखाते रहते हैं शहर में कुछ भी नहीं किया तो आगे कहां गए 20,000 करोड़ रुपए जमा करके लगा दिया हमने और इतना ही नहीं वो तो कहते हैं कि मंदिर बनाए मंदिर के नाम उनको ऐलान हो गया कि हम क्यों गए हमने क्यों दर्शन किया उन्होंने सवाल कर रखे पहले जैसे ही हमने मीडिया के माध्यम से भी सवाल कराए कि इनसे पूछिए कि इनका क्या लेना देना ये अयोध्या में हुआ है और ये क्यों दर्शन कर रहे हैं इसलिए उनको ये मैं बोला था क्योंकि अयोध्या में इन्होंने लाखों करोड़ रुपए भगवान श्री राम लता के नाम से लिए और अभी से नहीं है संत नाम से लेते जा रहे हैं और आज तक उन्होंने ये नहीं खुलासा किया है कि कितने लाख करोड़ रुपए इनके पास इकट्ठा हो गए 20 साल में इन्होंने तो विदेशों से भी रुपया लिया डॉलर रुपए लिया मंदिर के नाम पे रुपए दे दो लोगों ने दिल खोल करके देने का काम किया लेकिन ये नहीं बताते हैं कितना रुपया मिला और वो रुपया का क्या करते जा रहे हैं जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया और जमीन ट्रस्ट को भी दी तो उसके बाद हनुमान फिर से कहा हमारी जेबें खाली हैं और भगवान का मंदिर बनाना है और इसने झोला लेके पूरे प्रदेश में घर घर लोगों को पहुंचा दिया कि चंदा और उसके बाद वो चंदा मांग मांग करके भगवान के नाम पे 10,000 करोड़ के ऊपर तो ये खुद बताते हैं कि इनके पास जमा हो गया लेकिन बाकी कितना हुआ ये किसी को नहीं लेकिन किसी भी है वो कहां गया है 10,000 करोड़ का और जो पहले दिया था वो कहां गया इसका हिसाब तो हम मांगेंगे ही और हर व्यक्ति मांगेगा और ब्राह्मण समाज का हर व्यक्ति इससे मांगेगा कि उसकी आस्था जो भी भगवान श्री राम से हमको रोकने का काम कर रहे थे हमने यही कहा हमको आप कैसे रोक सकते कि आप क्या क्यों रोक रहे हैं ब्राह्मण समाज के जन्म और हम लोगों के संस्कार बचपन से डाल दिए जाते हैं बचपन से हम लोगों के लिए संस्कार होते होते जनेऊ पहनना है जाता है तो तब तक होते होते 7 संस्कारों को जाते हैं और हम लोग उसमें उस बलान में
सभी चीजें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, लड़ाई नहीं जाती है। भगवान श्री राम की स्थिति, हनुमान जी की, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की स्थिति, हम लोगों को दुर्गा हनुमान दुर्गा की स्थिति, हम लोगों को भगवान श्री शंकर की स्थिति, ये सब लोगों को ब्राह्मण समाज से हम लोग जुड़े हैं। और हम लोगों को बताए जाते घर से निकलो, पहले पूजा करो अपने घर में भगवान श्री राम सभी की, और उसके बाद उसके हमारे घर से समाज निकलो, वही हम लोग करते हैं, नृत्य करते हैं। तो अगर आप भगवान श्री राम लगा के दर्शन करने चले गए तो आपको परेशानी होगी, क्या आप ठेके जा रहे हैं, आपके ठेका दे रहे हैं, ब्राह्मण समाज के अन्य लोग नहीं जा सकते, आप अब खाली ब्राह्मण समाज के लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और दूसरे लोग आ जाएंगे, इन सारे मंदिरों में सारे मठों में सब जाके वही का कब्जा हो जाएगा, वही लोग जा रहे हैं, शुरू कर ही जाएंगे। इस गुरु पूर्णिमा से आप लोगों को मालूम होने के वही बातों में तो मालूम हो जाएगा कि गुरु पूर्णिमा से जितने भी मंदिर है, जो बड़े मंदिर है उनको तो अखबार करने जा रहे हैं, उनको सरकार के हाथ कब्जे में लेकर के अपने वहां पर बैठा दी है, लेकिन जहां जहां और मंदिर है वहां पर भी इन्होंने अपने अपने मठ से भेज दिए, मठ से लोगों को भेज दिया गया कि तुम जाओ गुरु चाहता बैठ कर और वहां पर बैठ करके धीरे धीरे वहां कब्जा कर लो, और जो वहां जैसे साबित लोग हैं उसको बाहर निकाल करके इन मंदिरों में भी उत्तर प्रदेश के अनुसार अपना कब्जा ले लो। अगर ऐसी नियम नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि संस्कृत के विद्यालय जब वेद पढ़ाए जाते हैं, पुराण पढ़ाए जाते हैं, उनको बंद क्यों करवाते हैं? 1500 विद्यालयों में से संस्कृत के जो सरकारी विद्यालय है उसमें से 500 तो बंद हो चुके हैं, और महाविद्यालयों में से आधे के लोग हैं, और क्यों? क्योंकि कहते हैं पैसा नहीं देंगे। जब आप पैसा नहीं देंगे और किसी भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं करेंगे, अब वहां पर अध्यापक नहीं बचा, सिर्फ ताला चाबी खोलने वाले बचे हैं, जब वो बचे हैं तो पढ़ाई को कराएगा, जब पढ़ाई कराने वाला नहीं होगा तो पढ़ने वाला भी नहीं होगा, और जब पढ़ने वाला नहीं होगा तो फिर ये वेद पाठ पुराण इनकी पढ़ाई कौन करेगा? तो आगे चल करके धीरे धीरे ये लोग भी मुक्त हो जाएंगे। अभी जो आप अनुचार पैसा देख रहे हैं, धीरे धीरे आप पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, आपको जो ये चाहेंगे वो पढ़ाया जाएगा, वही पढ़ेंगे आप, और इस तरीके से जो हमसे लोग मिले इलाहाबाद, उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र, और षड्यंत्र ये है कि इस प्रकार ये धीरे धीरे सनातन धर्म को इस खत्म करने वाले हैं, यहां से सनातन धर्म ही लुप्त हो जाएगा, क्योंकि जब वेद पाठ खत्म हो जाएंगे, प्राण पाठ खत्म हो जाएंगे तो सनातन धर्म ही लुप्त हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो कि भगवान को सिर्फ वोट की चीज मानते हैं, और हम लोग वो हैं जो पूजा करने के लिए एक भगवान से मानते हैं, तो वोट की पसंद नहीं मानते। आपको इन लोगों का असली चेहरा पहचानने की जरूरत है, आपको ये देखने की जरूरत है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, कौन सा मान सम्मान आपको किया, सिवाय प्रलोभन के, सिवाय छुपे बातों के, और अगर कुछ दिया है तो खाली रोको, अगर ब्राह्मण का नाम है तो रोको और ठोको, और वो भी हम जिस तरीके से लखनऊ में गाड़ी ने जा रहा था एक्शन कंपनी का दिवाली, और उसको रोका, उससे नाम पूछा, उसको गोली ठोक दी, जिस तरीके से प्रतापगढ़ में 5 समाज के नौजवानों को चला के मार दिया, जिस तरीके से बुंदेलखंड में व्यापारी ब्राह्मण समाज का मजबूत था उसको रोका और उसके बाद उसको मार दिया और कहा इससे तो आत्महत्या कर दी, और जब खुलासा हो गया कि इसने आत्महत्या नहीं की, इसको मारी गई होगी, तो जो अधिकारी था, वहां अधिकारी था, उससे कहा कि तुम प्रदेश छोड़ दो और निकल जाओ, और तुमको बाद में ठंडा हो जाएगा, तब दोबारा नहीं हुआ। 1 साल हो गया, उनको कोई कुछ नहीं मारा नहीं कि वो वहां पर रहेंगे, क्या करते हैं, कहां छुपे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अब उसमें फेल हो गया, उनको नहीं मिल पा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को जब ढूंढना होता है किसी को तो 24 घंटे भी नहीं लेते हैं और उठवा लेते हैं, जहाँ के लिए मतलब उसमें शामिल नहीं हो उसको भी उठवा करके और उसको मनवाने का काम करते हैं। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आपको अपनी बात अगर अपनी सरकार बनानी है, अपने हाथों में चाबी नहीं है सत्ता की, तो इनके इस
झूठे वादों को झूठे दिखावे से आपको बचने की जरूरत है और बचाने की भी जरूरत है लोगों को, और डरने लगने की जरूरत नहीं है, और हमलाए लोगों को उसमें धमकी में भी आने की जरूरत नहीं है कि वो एक लग रहे से संग क्यों, क्योंकि आप उन्हें याद रखना चाहिए परशुराम की भी वंशज है और वहां डरना और धमका और दबना नहीं सिखाया जाता। आप लोगों से हमारा ये विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपनी एकता को बनाते हुए इन सब बातों को अपने ही कार्य सीमित न रखें और इसको आगे बढ़ाने का काम करें। ब्राह्मण समाज का दायित्व है कि वो सब समाज के साथ में मिले और अपने समाज में भी बताए, सब समाज को भी बात को बताए, और बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है सर्वजन सुखाए, सर्वजन सुखाए, समाज को जोड़ने की, समाज को तोड़ने की नहीं, जैसे ये लोग तोड़ते हैं जाति धर्म और उसके नाम तोड़ने का काम करते हैं। आप वो इन सब लोगों को लेकर के साथ चलने की आवश्यकता है और उसको चलने के लिए आप लोगों को थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। अगर आप समय निकाल करके इन लोगों को ये बताने का काम नहीं करेंगे, उन लोगों को आगाह नहीं करेंगे, उन लोगों को एकजुट नहीं करेंगे, तो आगे वाली हम लोगों की नस्लें और आप भी जो आने वाले लोग हैं वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जब आपको मौका मिला था तो उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए और उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मेरा आपसे अंतिम अनुरोध फिर से यही है कि अपनी ताकत को दिखाते हुए एक साथ एकजुट होकर के अपनी बात हमारे यहाँ मजबूत करने का काम करिए। अगर आप हमारे यहाँ मजबूत करेंगे तो आपके हाथ अपने आप मजबूत हो जाएंगे और हम सबको उम्मीद करके बहन मायावती को एक बार पांचवी बार देश का मजबूत काम करे और अपने प्रदेश में कानून वाला कानून का राज स्थापित होता है और वो करने के लिए संकल्प लेकर के हमको यहाँ से जाना है। और ये संकल्प आपसे लेते हुए हम समझते हैं आपने संकल्प किया कि अगर आपने दोनों हाथ उठा करके और आपके हमको बता दें कि आप हमारे साथ इसमें हैं। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।